ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फॉर्मेटिंग टैग का। तो सबसे पहले न्यू फाइल बनाते हैं, और एक जादू है जो मैं बोला था कभी कि आप लोगों को बताऊंगा, जेन कोडिंग। जरा गौर से देखिए आप लोग, मैं HTML5 लिखता हूँ, HTML कॉलन 5 और कंट्रोल ई प्रेस करूंगा और HTML का कोड आ जाएगा। ये जरा देखिए, ये जादू, ये दिख रहा है आप लोगों को जादू? ये किसके मदद से हुआ था? ये जेन कोडिंग की मदद से हुआ था। ये देख लीजिए, ये जेन कोडिंग की मदद से। मैं बता दूंगा जेन कोडिंग नोटपैड में कैसे करते हैं, तो आने वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा, ठीक है? मैं बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। फिलहाल अभी इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और हम लोग इसका नाम देंगे फॉर्मेटिंग टैग, ठीक है, .html, और इसको हम लोग यहीं पे रखना है, तो सेव किया इसको। ये देखिए, ये जरा समझ लीजिए, ये तो HTML5 का ये था, ठीक है, वर्जन बता रहा था, ये लैंग्वेज बता रहा है कि कौन सा लैंग्वेज यूज करे, तो इंग्लिश यूज करे यूएस का, ये करेक्टर सेट बता रहा है कि कौन कौन सा करेक्टर सेट यूज करे, तो जैसा हम मैंने जावा में बताया आप लोगों को कि करेक्टर सेट क्या होता है, तो करेक्टर सेट वो चीज होता है जो डिजिट सिंबल्स एंड स्पेशल करेक्टर को बना के बनाया जाता है। तो ये UTF-8 वाला चीज कैरेक्टर सेट यहाँ यूज करा है, इसीलिए मेटा टैग के अंदर इसको लगाया गया है। मेटा टैग का और भी यूज है, हम लोग बाद में बात करेंगे मेटा टैग का, अभी सिर्फ टाइटल यहाँ पे हम लोग दे ले रहे हैं। और लिंक तो हम लोग करेंगे, ये वाला को हम लोग क्या करेंगे, चुप से उठाएंगे, चोरी करेंगे, अब उठाया और इधर डाल दिया, देखे इमेज आइकन तो आ गया, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर्मेटिंग टैग, फॉर्मेटिंग टैग, ठीक है। अब जरा ये फॉर्मेटिंग टैग की बात करेंगे, पहले इसको रन करा ले हम लोग कोई भी ब्राउजर में, हम लोग जैसे बोले थे कि दो ब्राउजर में रन कराएंगे, तो दो ब्राउजर में रन कराते हैं। फॉर्मेटिंग टैग आ गया है अपना, यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग टैग, बॉडी में कुछ आया नहीं है, इसका भी रीजन कि हमने बॉडी में कुछ दिया नहीं है, तो कैसे आएगा, जाहिर सी बात है। इधर भी आ गए, सब जगह आ गए हम लोग, चलिए। और हम लोग अभी तक रन किया दो ब्राउजर में, अब इंटरनेट एक्सप्लोरर में रन कर ले इसको, ये रन हो चुका है, ठीक है। फॉर्मेटिंग टैग यहाँ पे देखे, तीनों ब्राउजर को देख लीजिए, फॉर्मेटिंग टैग यहाँ पे देखे, ये गूगल क्रोम है, ये फायरफॉक्स है, ये कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये वाला। अब हम लोग नोटपैड पे चलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में दो फाइल खुला हुआ है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन को क्लोज कर दे रहे, सिर्फ फॉर्मेटिंग को रहने दे रहे, और वापस से हम लोग चल रहे हैं किधर, फॉर्मेटिंग। किसी ने कहा है कि साइज बढ़ा दीजिए, तो लीजिए साइज बढ़ा दिया मैंने, है ना। साइज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल को होल्ड करेंगे, प्लस मारेंगे तो साइज बढ़ेगा, घटाने के लिए माइनस मारेंगे तो साइज घटेगा, ओके। अब जरा समझिए, हम लोग एक छोटा सा डॉक्यूमेंट लिखेंगे और उसको हम लोग फॉर्मेट करेंगे, जैसे हम लोग एक विनवर्ड में चलते हैं, विनवर्ड, और हम लोग यहाँ पे एंटर मारा, और अभी दिखाते हैं एक डमी कंटेंट हम लोग यहाँ से ले ले रहे हैं, जिसके मदद से हम लोग इधर बॉडी में उसको पेस्ट करेंगे, और उसके ऊपर आप लोगों को बताएंगे कि क्या करना है ना। तो इसको लेता हूँ मैं, एक इक्वल टू बोलता हूँ, आर एन डी, ये विनवर्ड का सवाल है, ये विनवर्ड में अगर कोई डमी कंटेंट चाहिए तो हम लोग इक्वल टू लेंगे, रैंड लेंगे, और ये ब्रैकेट देंगे, और देखो ये डमी कंटेंट हमें मिल गया है, हम कॉपी करेंगे इसको और किधर चलेंगे, इसको क्लोज करते हुए किधर चलेंगे, नोटपैड पे चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, पेस्ट किया, अब देखो ये आ गया है यहाँ पे, ठीक है, आ गया ना, पैराग्राफ, हम लोग पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो चलिए हम लोग टैग के साथ ही चलते हैं, पैराग्राफ टैग के साथ इसको यूज करेंगे। तो हमने पी टैग यूज करना है, पी टैग, और पी टैग को क्लोज करते हुए और हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये लो, हमने इसको पेस्ट कर दिया है, ठीक है। इसको जरा हमने टैब लेके इधर कर लेना है, टैब लेके इधर कर लेना है, टैब लेके इधर कर लेना है, टैब लेके इधर कर लेना है। अब देखिए ये हमारा कोड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये देखिए, ये हमने पैराग्राफ ओपन किया, क्योंकि हम फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं, तो हम एक डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर रहे हैं, उसी के ऊपर बात करेंगे। तो पैराग्राफ ओपन किया और पैराग्राफ को क्लोज किया। अब जरा इसको मैं चेक कर ले रहा हूँ, देखो जरा पहले इसमें रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया है, इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आ गया है, इसको रिफ्रेश करता हूँ, और ये कौन सा था, एक और ब्राउजर था, कौन सा, ये फायरफॉक्स, इसको भी रिफ्रेश कर, देखो सारी जगह पे आ गया है। अब मैं सबसे पहले चाहूंगा कि पैराग्राफ के ही कुछ चीजों को बता दूं आप लोगों को, या पैराग्राफ का बाद में बात करेंगे, सबसे पहले
या कर लेते हैं। चलिए पैराग्राफ के ऊपर में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जरा समझिए, पैराग्राफ यहाँ पे इसका होता है अलाइन। अलाइन मतलब क्या होता है जरा गौर से समझना। ये देखो यहाँ पे ये अभी टेक्स्ट किधर से अलाइन है, लेफ्ट साइड से, किधर से, लेफ्ट से। तो हम इसको अलाइन कैसे करेंगे, राइट से। बाय डिफॉल्ट अलाइन किधर होता है, लेफ्ट, तो हमने कह दिया है राइट। अब जरा जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जरा देखो, तो देखो किधर से अलाइन हो गया, राइट से अलाइन हो गया, हो गया ना। अब जरा देखो मैं इसको सेंटर करूंगा ना, तो कैसा हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। देखो सेंटर में हो गया, दोनों तरफ से छोड़ दिया, सेंटर से ले रहा है। ये देखो डिवाइस कैसे आ गया, सेंटर में आ गया। और मैं क्या चाहता हूँ ना कि इधर से भी एकदम सेम साइज हो और इधर से भी सेम साइज हो, तो मैं, मेरे पास एक और वैल्यू है अलाइन एट्रीब्यूट का, जस्टिफाई करूंगा मैं। और ये क्या हो जाएगा, देखो दिख गया, सारे तरफ से कवर किया ना सारे तरफ से। चलो अब हमारा क्या काम है, इसका साइज बढ़ाना है, ठीक है, इसको कलर देना है, बीच बीच में किसी को बोल्ड करना है तो बोल्ड करना है, किसी को मार्क करना है तो मार्क करेंगे, किसी को सुपर टेक्स्ट करना है तो सुपर करेंगे, किसी को सब टेक्स्ट करना है तो सब करेंगे, इस तरह से। आइए हम लोग सबसे पहले इसका कलर करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को लेना है कौन सा टैग, फॉन्ट, ठीक है ना, फॉन्ट टैग लिया। इन सबको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा एक ये ले लेता हूँ, सो देट कि मेरा फॉन्ट टैग का विजन अच्छा हो, कि मेरा फॉन्ट कहाँ से ओपन और कहाँ से क्लोज हो रहा है। ये देखो मैंने फॉन्ट लगाया। अब इसका सबसे पहले क्या दूंगा मैं, कलर, कलर दिया, कलर मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी कलर बोल दे रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ लाइम, सॉरी मैं लिखूंगा लाइम, लाइम कलर लिया। अब जरा रिफ्रेश करो, ये देखो कलर कैसा हो गया है, लाइम हो गया, बट ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको ब्लू ले लेता हूँ। देखो ये अभी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब इसका हमें साइज बढ़ाना है, यानी कि समझो फॉन्ट टैग, यानी फॉन्ट का कलर, यानी कि ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को एक्चुअली हम लोग फॉन्ट ही बोलते हैं, तो इसका कलर, इसका साइज, इसका इसका फेस चेंज करना हो तो कौन सा टैग यूज करेंगे, फॉन्ट, फॉन्ट को यूज करेंगे। और जिसको भी हमको कलर करना होगा उसको फॉन्ट के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में रखेंगे। जैसे देखो हम इसमें से कोई एक हटा देते हैं, इजियर को हटाया और उसको फॉन्ट के बाहर रख देते हैं, तो क्या होगा, इजियर पे फॉन्ट का अप्लाई इफेक्ट नहीं होगा। देखो इजियर ऐसे दिख रहा है, कलर आया नहीं आया, तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, उसके अंदर ही रखेंगे, फॉन्ट के अंदर ही रखेंगे। अब जरा देखो साइज, साइज साइज मैं देता हूं, देखो इसका साइज का रेंज होता है 1 से कहां तक, 7 तक, 1 से 7 तक, तो 7 इसका सबसे बड़ा साइज है, दिखाता हूं मैं। देखो इतना बड़ा हो गया, दिख रहा है कितना बड़ा हो गया ब्राउजर में, बट 7 से बड़ा कुछ होता नहीं, 7 इसको 70 भी डाल दो फिर भी साइज क्या रहेगा, 7। देखो साइज में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा साइज क्या है, 7। अब अगर 6 करोगे तो देखो थोड़ा छोटा होगा, देखो 5 करोगे तो थोड़ा छोटा होगा, देखो 4 करोगे तो थोड़ा छोटा होगा, देखो 0 की जगह लाइव हो जाएगा, 0 पे डिफॉल्ट रहेगा, गायब कैसे हो जाएगा, देखो कितना चला गया, कितना छोटा चला गया, बाप रे, ना ना वैसा मत करो, माइनस हो जाएगा। देखो माइनस पे कुछ नहीं, 1 का ले लिया, अच्छा 2 का करें, माइनस पे छोटा किया और छोटा कर दे, बर्बादे कर देंगे, 7 की कुछ नहीं, हम लोग इसको 5 ले रहे, सो दैट कि एक विजन हो हम लोगों के पास, इतना ठीक है, 5 नहीं 6 कर ले रहे, 6 बेटर है जिसमें हम लोग समझ सके। चलो 6 को समझ लिया हमने, कलर कर दिया, साइज कर दिया। अब देखो जरा फेस होता है, फेस, इसका फेस जरा समझो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फेस, फेस इक्वल टू फेस क्या, यानी कि इसका जो, जैसे कि वर्ड में चलता हूं मैं, दिखाता हूं फेस क्या होता है, जो फॉन्ट का वहां से फेस उठा लेंगे ना हम लोग, वैसा हमारा टेक्स्ट हो जाएगा। जैसे देखो यहां गया, ये क्या है, देखो पढ़ो उसको, फॉन्ट का ये फेस है, पिक अ न्यू फॉन्ट फॉर योर टेक्स्ट, यानी कि इसमें से कोई भी उठाओ, अल्जीनियर उठाओ, ब्लैक एरियल उठाओ, जैसे कि कोई भी बोलो इसमें से, मैं उसको कॉपी करके उधर डालूंगा। ये जरा देखो मैं इसको लेता हूँ, है ना, नहीं तो इसको ले ले रहा हूँ मैं, इसको, अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पहले तो सेलेक्ट किया, सॉरी सेलेक्ट किया, और इसको मैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी किया, क्या है ये, हार्लो सॉलिड है, हार्लो सॉलिड, ये यहाँ पे आ गया, हार्लो सॉलिड इटैलिक, हार्लो सॉलिड इटैलिक। अब मैं रन करता हूँ इसको, जरा सेव किया और आया मैं ब्राउजर पे। अब देखो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ,
दिख रहा है सर, आर सॉलिड। तो आप जो कोई भी, अभी मैं चेंज करता हूँ, चलो अभी कोई और लेता हूँ। आप चाहे तो फॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल, देखो ये वाला चाहिए लुसिडा हैंडराइटिंग, चलो लुसिडा हैंडराइटिंग पे चलते हैं। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, लुसिडा हैंडराइटिंग पे आया, इसको यहाँ से किया ऐसे, यानी ये हम लोग फॉर्मेट कर रहे हैं, आपके ऊपर है, आप चाहे तो इसको जितना भी खूबसूरत बना ले, दिख रहा है। और एक जो है हम शुरू से करते आए हैं उसका नाम है एलिफेंट टाइप। अगर फॉन्ट को अगर मोटा करना है हाँ, तो एलिफेंट के तरह है ना, तो देखो इसको एलिफेंट कर दिया हमने, है ना। हाँ अगर कर रहा है सर, ठीक है, तो उससे अच्छा तो वो वाला लग रहा था, तो हम लोग इसको रहने देते हैं। ये सॉरी ये तो ये बेहतर लग रहा है ना, तो अब फिलहाल हम लोग इसको ही रहने देते हैं। अब जरा समझो, अब तो ये फॉन्ट के ऊपर मैं काम कर दिया, अब हम चाहते हैं ना कि हम जहां जहां पावरफुल लिखा हुआ है या जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है या जहां जहां ये लिखा हुआ है उसको हम लोग कैसे करते हैं। पेन से लेके क्या करते थे कि यहां पे देखो, इसमें भी मैं करता हूं इक्वल टू आर ए एन डी रैंड। देखो तो यहां पे कैसे होता था, अगर हम स्टाइल को हम लोग अगर ये करना रहता था, इसको अगर हम लोगों को मार्क करना रहता था तो हम लोग कैसे करते थे, ऐसे करते थे मार्क। बट HTML के केस में हमारे पास टैग है, कैसा है टैग है, तो हम लोग उस टैग के जरिए इसको मार्क करेंगे। चलो पावरफुल को हम लोग चाहते हैं मार्क करना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मार्क, और यहाँ पे क्या कर देंगे इसको क्लोज वापस से मार्क। कहाँ टैग बढ़ा है, हो गया ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो पावरफुल क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा, देखो हो गया मार्क। अभी किसी और को ग्राफिक्स को मार्क करना है, जिसको भी हाईलाइट करने का मन है आपको, ठीक है उसको हाईलाइट करो। मैं रीडिंग को हाईलाइट करता हूँ, मार्क देखो मार्क मार्क भी मार्क का चीज है, टैग ही है, मार्क जो टैग ही है। हाँ टैग, अगर देखिए अब चाहते हैं कि मार्क का कलर लाइट हो जाए, कुछ भी कलर इसका चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग इसका CSS के जरिए हम लोग इसका कलर यूज करके हम लोग चेंज करेंगे, बट फिलहाल ये येलो ही सही है, रहने देते हैं ठीक है। अब आइए जरा सा, हमने पावरफुल दिया, रीडिंग दिया, बट कभी कभी देखो कि अगर रेट लिखा हुआ रहता है तो रेट को क्या करा जाता है, रेट को रेट जैसे दिखाता है कि पहले रेट इतना था, उस रेट को क्लोज करके डिलीट वाला करके, मतलब उसका क्रॉस रहता है, जैसे कि कैसे यहाँ पे देखो मैं एक छोटा सा दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, हाँ 50% डिस्काउंट करके तो ऐसे रहता है ना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इस तरह से बोलता है रेट, रेट पहले कितना था 80 रुपया, अब कितना हो गया है रेट 60 रुपया, ठीक है। तो ये जो रेट रहता है ये कटा हुआ रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज आप लोगों को और दिखेगा, दोनों रेट आपस में बराबर बराबर आ गया, तो मैं क्या चाह रहा हूं कि वो रेट नीचे आए, तो मैं क्या करूंगा, एक हमारे पास टैग है जिसका नाम है कौन सा टैग, BR टैग, ब्रेक टैग। लाइन को ब्रेक करने के लिए हम सब कौन सा टैग यूज करेंगे, ब्रेक टैग, BR टैग। तो हम इसको ब्रेक करेंगे और देखो कि जरा कैसे हो जाएगा, ये ब्रेक किया, देखो ब्रेक किया, ये भी ब्रेक किया, देखो अब देखो सब जगह पे ब्रेक हो चुका है। तो अब जरा मैं इसको रन कराता हूँ, देखो ब्रेक हो गया, देखो रेट। अब मैं ना इसको चाहता हूँ कि इस पे लाइन वैसा रहे, तो क्या करूँगा मैं, एक हमारे पास टैग है जिसका नाम है डेल, ठीक है, और ये डेल, देखो ये कट गया, कट गया। और अभी रियल प्राइस कितना है, ये पहले वाला 80 रुपीज था, उसको कट करके कितना हमने दे दिया, तो पहले ये कस्टमर को दिखाने के लिए ऐसा कि 80 रुपया था हमने, तो अभी कम कर दिया रेट, अब तो परचेज कर लो, है ना। हाँ अभी तो रेट कम कर दिया ये इस तरह से। अब देखिए, अब किसी को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो कैसे करेंगे, मान के चलो कि हम चाहते ना कि ये वीडियो जो है ना, वीडियो को इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, पहले ये बोल्ड इटैलिक हम लोग करना चाहते हैं, तो देखो इसको हम चाहते हैं बोल्ड करना, तो हम सिंपली बी लगाएंगे यहाँ पे और इसको बी को क्लोज करेंगे, तो बी हमारा वीडियो हमारा क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ये देखो वीडियो बोल्ड हो गया, दिख रहा है वीडियो बोल्ड हो गया, थोड़ा सा नहीं हुआ, सब हो गया, नहीं सिर्फ वीडियो हुआ, कलर में थोड़ा लेता हूँ, दूसरा ही कलर ले लेता हूँ, कलर कोई ऐसा लेता हूँ जो थोड़ा सिंपल कलर हो, हम लोगों को दिखे, ग्रे वीडियो बोल्ड हो, डार्क ग्रे, ब्लैक ही कर देता हूँ सबसे अच्छा, ये ब्लैक का कोड है, हम लोग ब्लैक लेंगे इसको, ठीक है।
देखो ये थोड़ा सा बोल्ड हुआ है, अभी नहीं समझ में आया तो मैं दिखाता हूँ, रुको। फेस चेंज कीजिएगा। बिल्कुल सही बोले, फेस ही चेंज कर ले रहे हम लोग। टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। देखो दिख रहा है, वीडियो बोल्ड हो गया है। अब हम वीडियो को, अब देखो हम लोग कोई किसी, अब स्टाइल को हम लोग कैसा कर ले, इटैलिक, इटैलिक किया। देखो इटैलिक के लिए आई टैग यूज करेंगे। कहाँ चला गया, बीच में सर, थीम सेंड। देखो स्टाइल यहाँ रहा है, स्टाइल दिख रहा है, स्टाइल इटैलिक हो गया। अब जरा देखो मैं स्टाइल को ही चाहता हूँ कि अंडरलाइन करूँ, तो यू यूज करूंगा और ये यू यूज करूंगा, ठीक है। याद रखे कि जिसको भी हम बोल्ड या इटैलिक या अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसका ओपनिंग और उसके क्लोजिंग के बीच में ही रखेंगे। अगर मैं चाहता हूं कि ये प्रोवाइड भी बोल्ड हो जाए तो मैं प्रोवाइड के बाद जस्ट ब्लैक को करूंगा, उसको बोल्ड को ब्लॉक करूंगा वो, ठीक है। यहाँ पे देखो हो गया, अभी देखो स्टाइल हमारा कैसा हो गया, इटैलिक भी हो गया और अंडर लाइन भी हो गया। अभी देख रहे ये सारा फॉर्मेटिंग टैग था। अब देखो जरा कैसे होता है कि कभी कभी देखो कि स्क्वायर सब, मैं चाहता हूँ ना कि बटन स्क्वायर आए, बटन स्क्वायर, बटन पे स्क्वायर है ना, बटन पे स्क्वायर आ जाए, तो बटन पे स्क्वायर के लिए, और चाहते कि डैट पे बेस आ जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो जरा यहाँ पे अभी मैं रन करता हूँ उसको, दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो कहाँ चला गया बटन, ये बटन एंड दैट। तो हम चाहते हैं कि ये सुपर इसके ऊपर आ जाए और ये बेस में हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है हमें, हम लोग इसको करेंगे सब, और इसको भी करेंगे सूप, नहीं सब, सब को क्लोज, सब मतलब सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, देखो सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट होता है इसीलिए सब टैग है, और सब स्क्रिप्ट होता है इसीलिए कौन सा टैग होगा, सॉरी टैग होगा सब, सब टैग। मजा आ रहा है, बिल्कुल नहीं, देखो ठीक है, ये देखो उल्टा कैसे हो गया, ये सुपर टैग और ये सब टैग, देख रहा है। तो ये फॉर्मेटिंग के हवाले से था टैग को। अब देखो कोई अगर टाइटल बनाना चाहते हो, टाइटल, अच्छा अब हम लोग कैसे चाहते हैं कि एक लाइन ड्रॉ हो जाए यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर ही, तो हम लोग कैसा करेंगे, एच आर, ये क्या करेगा, एक लाइन हॉरिजॉन्टल रो को क्या करेगा, दे देगा। यहाँ देखो एक लाइन ड्रॉ हो गया, हम चाहते हैं कि एक लाइन यहाँ भी ड्रॉ हो, तो हम लोग इसके br से पहले, br से पहले क्या लिख लेंगे, hr, लिखा hr, देखो ये भी लाइन एक ड्रॉ हो गया। ध्यान दो मैंने बोला था empty and close tag, तो br जो है, b जो टैग है वो क्लोज टैग है, बट hr empty है, br empty है, बिल्कुल empty में क्लोज नहीं मिलेगा आपको। अब देखो hr नीचे भी एक ड्रॉ हो गया है, देखो लाइन ड्रॉ हो गया, दिख रहा है ना, दिख रहा है लाइन ड्रॉ। बट जरा देखना एक चीज गलती हुआ है, क्या हुआ इसका, देखो ये बिगड़ गया, तो हमें उसको ठीक भी रखना है, तो मैं क्या करूंगा एचआर को पैराग्राफ के ऊपर ही कर देता हूं, कर दिया, और मैं एचआर को पैराग्राफ के नीचे कर देता हूं। देखो अब ये फॉर्मेट कर रहा है इसका, मैं क्या कह रहा हूं कि एक हेडिंग लगना चाहिए यहाँ पे, एक हेडिंग लगना चाहिए, और हेडिंग जो है ना एक लाइन के बीच में आना चाहिए। मैं कह देता हूं यहाँ पे, देखो हमारे पास एक हेडिंग टैग होता है, कैसा टैग, हेडिंग, उसको H1 या H1 ही बोलते हैं, तो हम लोग बोल देते हैं फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग टैग हमने बोला। अब देखो फॉर्मेटिंग टैग H1 से आया है, देखो ये एक हेडिंग बनाइए, एक हेडिंग, ठीक है, तो ये बोल्ड हुआ। अगर मैं H1 नहीं लगाता तो सिंपली आता, आपको ये दिखाता हूं मैं, देखो ये सिंपल आ रहा है, तो हम लोग इसको H1 में रखा, हेडिंग बनाइए, ठीक है, सेंटर में भी करेंगे इसको, देखते हैं आते हैं। चलिए HR को एक लाइन हमें और इसके नीचे ड्रॉ करना है, तो HR यहाँ पे फॉर्मेटिंग के नीचे जस्ट एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, देखो हो गया। और फॉर्मेटिंग को हम लोग सेंटर में लेना है, तो हम लोग सेंटर में लेने के लिए क्या करेंगे, कौन सा टैग यूज करेंगे, सेंटर टैग सिंपली यूज कर लेंगे, सेंटर, और हम इसको देखेंगे सेंटर,
क्लोज, सेंटर क्लोज हो गया, ये देखो सेंटर क्लोज, तो ये सेंटर में आ गया है। अब जरा देखो इसका रेंज होता है H1 का, H1 से H6 तक, देखो देखो H1 में कुछ और होगा, हाँ 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 और ये 6, यानी 1 से 6 होता है। और याद रखे 1 सबसे बड़ा होता है और 6 सबसे छोटा है, यानी ये फॉन्ट का जो साइज है, जो एक्चुअली हेडिंग का जो साइज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। रन कराइए इसको, ये देखिए ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है, देख लीजिए सबसे बड़ा H1 फिर उससे 6 इस तरह से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फॉर्मेटिंग टैग की बात की। अब हम लोग अब जो नेक्स्ट टैग आने वाला है जैसे इमेज टैग, मार्क्यू टैग, ठीक है, ये सब की बात करेंगे। अच्छा ठीक है, एक टैग और बच गया है स्ट्रॉन्ग, तो उस स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज हम लोग इसमें कर ले रहे हैं, फॉर्मेटिंग में आता है तो कुछ नहीं, स्ट्रॉन्ग भी एक तरह से बोल्ड, बट वो थोड़ा बोल्ड से अच्छा दिखता है इसीलिए हम लोग इसको बोल्ड ही करता है। जरा मैं दिखाऊंगा स्ट्रॉन्ग, तो इसको मैं सेव करता हूँ, इफेक्ट डालने से पहले मैं दिखाऊंगा ये 2 कहाँ पे है एक्चुअली, वे टू था है ना, वे टू मेक योर डॉक्यूमेंट है ना, वे टू पावरफुल, वे टू पावरफुल, वे टू फर्स्ट लाइन में सर, फोर्थ फिफ्थ वे टू थर्ड लाइन 2, 4, 6 टू मेक योर डॉक्यूमेंट, ये वाला देखो अभी इसमें कुछ चेंज है, अभी सिंपल टेक्स्ट है, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा देखो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, देखो देखा देखो इफेक्ट, हाँ बोल्ड कर देता है, ठीक है ये हो गया। तो हमने आज पूरा फॉर्मेटिंग टैग को देख लिया है, अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट क्लास में मार्क्यू टैग को देखेंगे, फिर हम लोग इमेज टैग को देखेंगे और एंगल टैग को देखेंगे, फिर और जो भी टैग आ रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं।